बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेसेस नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बीच फिलहाल कानूनी जंग छिड़ी हुई है और बॉलीवुड के गलियारों की ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नोरा फतेही ने जैकलिन के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल किया है। नोरा का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम जबरदस्ती यूज किया गया। एक्ट्रेस का कहना है कि सुकेश से उनका सीधा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, वो उस ठग को उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए ही जानती थी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक नया मोड़ आया है और बॉलीवुड की ये दो एक्ट्रेसेस इस केस की वजह से आमने सामने खड़ी हो गई हैं। नोरा फतेही ने दिल्ली कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस और कई मीडिया कंपनियों के खिलाफ मानहानि का केस किया है। फिलहाल आपको बता दें कि नोरा फतेही का आरोप है कि कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम जबरदस्ती यूज किया गया और गलत तरीके से यूज किया गया। इसी के साथ एक्ट्रेस ने कहा है कि सुकेश को वो डायरेक्टली नहीं जानती थी। नोरा ने सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट्स लेने का बिल्कुल बहिष्कार किया है। नोरा का कहना है कि मीडिया ट्रायल की वजह से उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंची है। वेल, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के निशाने पर जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही दोनों ही हैं। इस केस की तहकीकात के लिए ईडी दोनों ही एक्ट्रेसेस से कई बार तहकीकात कर चुकी है। नोरा फतेही पर भी सुकेश चंद्रशेखर से महंगे तोहफे लेने का आरोप है। हालांकि नोरा ने हर बार पूछताछ में इन आरोपों को गलत ठहराया है। कहा गया है कि सुकेश ने नोरा फतेही के जीजा बॉबी को 65 लाख की BMW कार गिफ्ट की थी। जांच में सामने आया था कि सुकेश ने BMW कार ऑफर जरूर की थी, मगर एक्ट्रेस ने ये कार लेने से इनकार कर दिया था। नोरा को शुरुआत से इस डील पर काफी शक था। सुकेश लगातार नोरा को फोन कर रहा था, जिसके बाद नोरा ने सुकेश का नंबर ब्लॉक भी कर दिया था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि नोरा ने ईडी को जांच में बताया था कि उनकी मुलाकात एक इवेंट में सुकेश की पत्नी लीना से हुई थी। लीना ने नोरा को गुची का बैग और आईफोन दिया था। लीना ने नोरा को बताया था कि उनके पति सुकेश एक्ट्रेस के फैन हैं। लीना ने सुकेश और नोरा की फोन पर बात भी कराई थी, जहां सुकेश ने नोरा का फैन होने की बात कही। फिर लीना ने बताया कि सुकेश टोकन के रूप में नोरा को BMW देने वाला है। नोरा को बाद में BMW कार को लेकर फोन आया। उस कार की डील के लिए शेखर नाम के शख्स का फोन आया। नोरा ने अपने रिश्तेदार बॉबी को शेखर से डील करने को कहा। एक्ट्रेस ने बॉबी को कहा कि शेखर को BMW के लिए मना कर दे। बॉबी ने फिर शेखर को बताया कि नोरा को ये कार नहीं चाहिए। तब शेखर ने बॉबी को BMW का ऑफर दिया और बाद में दूसरी डीलिंग के तहत BMW ली गई, जो बॉबी के नाम पर फिलहाल रजिस्टर्ड है। वेल, आपको बता दें कि इस केस में नोरा फतेही के साथ ही जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया था और फिलहाल इन दोनों पर ही मुकदमा चल रहा है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में फिलहाल जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ एक अक्यूज्ड के तौर पर डिफेमेशन सूट दायर किया गया है नोरा फतेही की ओर से। तो यानी कि फिलहाल जैकलिन फर्नांडिस जो है मुजरिम के तौर पर ही सामने आएंगी। आपको बता दें कि फिलहाल जैकलिन फर्नांडिस ने या नोरा फतेही ने इस बात पर कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है बॉलीवुड के गलियारों से कि दो बड़ी एक्ट्रेसेस एक कॉन मैन के लिए आमने सामने खड़ी हुई हैं। फिलहाल खबर ये भी आई है कि कोर्ट ने इस तहकीकात को 20 दिसंबर तक डिले कर दिया है। 20 दिसंबर को इस केस की सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर है। तो आपका इस पर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।